इसमें भाई आपको फाइनेंस और सब्सिडी है वो अवेलेबल है, और एक सीज़न का है ना ये, मतलब कंपनी जंगीर कंपनी है। जो इनमें क्या है कि थ्रेशर में अगर आपके कोई कमी आती है या फिर आपसे अच्छे तरीके से जो सेटल नहीं हो रहा है थ्रेशर, तो ये इनके मैकेनिक है वो खुद जाएंगे ऑन द फील्ड और जाके जो आपकी मशीन है उसको सेट करके देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। तो भाई वीडियो को दबके शेयर कर देना, क्योंकि आज मैं पहुंचा हूं श्री गंगानगर जिले के राइशा नगर, एक शहर है, इसी के अंदर जंगीर कंपनी है जो कि थ्रेशर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर हो गए और दूसरे थ्रेशर है जो भी फसलें निकालते हैं उनके, रोटावेटर हो गए और अलग से मतलब एक कंबाइन की भी इन्होंने जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी है। मतलब तो अपने आज मल्टी क्रॉप थ्रेशर है इसका रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को दबके शेयर कर देना। तो चलिए रिव्यू करते हैं स्टार्ट। मेन जो पार्ट होता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर का, तो इसमें क्या है कि ये बास्केट होती है भाई, टोकरी है जो, इसमें देखिए अलग अलग चप्पू है वो दिए गए हैं। तो इनके अंदर क्या है कि इनकी मात्रा है वो ज्यादा है, तो आपका जो भी फसल होगी वो जैसे ही आप डालेंगे तो बड़ी आसानी से जो ड्रम के अंदर है वो चली जाएगी। पास में आइए भाई साहब, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे है ना, इसमें आपको नट बोल्ट कसने के लिए दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि आप पटा वगैरह लगा के जो भी आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ज्यादा सफाई लेकर आना चाहते हैं इसके अंदर, बास्केट के अंदर है जो, तो वो आसानी से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो लगा सकते हैं जो भी चीज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो और ये जो पास में दी गई है भी, तो क्या है कि आपका जो भी फसल का मतलब लांगा होगा तो वो अंदर आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या है कि ज्यादा इसके अंदर है जो लंगा है वो डाल दिया, या फिर कह लें भी कोई अगर आप इंप्लीमेंट या फिर जैसे कोई यूज कर रहे हो यंत्र, तो वो अंदर चला जाए, तो इसको क्या है कि ये निकल गया भाई। आप बड़ी आसानी से जो इसका जो पीछे का ये जो बास्केट वाला पार्ट है इसको रोक सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये लीवर है वो आपको इसमें मिल जाएगा, और उसी के साथ में ये देखिए आगे की ओर भी लीवर दिया गया है। जैसे आपके ड्रम में है जो गीला लांगा है वो चला जाता है, तो थोड़ा सा मशीन को क्या है कि लोड फ्री करने के लिए जो ये लेवर दिया गया, यहाँ से जो गीला कचरा होगा वो वापस है जो अंदर बास्केट के आ जाएगा, तो आपका जो भी ट्रैक्टर होगा वो दबना बंद कर देगा और मतलब मशीन है जो वापस से सेम आरपीएम पे है जो आ जाएगी। और इसी के साथ में देखिए भाई यहाँ पे है जो आइडल दिया गया है जो कि बेल्ट ड्राइव है जो, तो उनको क्या है कि काफी टाइम चलने के बाद में है जो लूज हो जाते हैं, तो इसी के लिए दिया गया भाई ये आइडल है जो, इससे आप है जो टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इधर वाली साइड में ये यहाँ पे है जो इसके भाई काफी बड़ा है जो व्हील है वो लगा हुआ है, और आयरन व्हील बोलते हैं इसे। तो भाई अगर इसके रूटर की बात करें ना, इसमें आपको है ना मल्टी स्पीड रूटर है जो मिलता है भाई, ठीक है। और इसके अंदर जो बेल्ट ड्राइव दी गई है इनकी आप स्पीड है वो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि फसल है जो, कई फसलें हैं जो हल्की होती है, कई फसलें हैं जो भारी होती है, तो उनको है ना जैसे भारी फसलें हैं उनको ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, और जो हल्की फसलें होती है उनको कम स्पीड की जरूरत होती है। तो उसी के हिसाब से जो आप इसकी बेल्ट है उसको चेंज कर सकते हैं और स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो बेल्ट ड्राइव है उनको भाई चेंज करने के लिए है भाई ये लीवर है वो दिया गया है। यहाँ से आप ना बड़ी आसानी से इसको है जो, ये देखिए ये लीवर है, इसको उनके और बड़े आसान तरीके से जो इधर बेल्ट है वो कर सकते हैं। ये देखिए काफी लूज हो गई है इसमें। और इसी के साथ में क्या है कि अभी आपका जो ये ड्रम है इसमें क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर प्लेटें हैं वो डबल दी गई है, ठीक है। इनका काम क्या है कि जैसे भी आपको सफाई चाहिए आपके जो फसल के जो भी दाने हैं उनकी सफाई चाहिए, भी आपको ऐसा लगे भी ज्यादा कचरा भी ना आए, और मतलब ज्यादा सफाई अगर आप ज्यादा करोगे ना, तो इसमें क्या है कि ज्यादा जितना प्रेशर ज्यादा हो उसी के हिसाब से आगे फेंकना स्टार्ट कर देगा ये दाने, तो उनको आप उसी तरीके से सेट करते हैं दोनों को। ये दो दो प्रेशर प्लेट है जो इसके अंदर लगी हुई है, तो आप बड़ी आसानी से इसको, इसके लिए लीवर दिए गए, ना कोई नट बोल्ट है ना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लीवर है जो दे रखे हैं। इसके बाद में अभी देखिए इधर वाली साइड में यहाँ पे भी आपको है जो प्रेशर प्लेट है वो देखने को मिलती है, इसमें जो पंक्ति दी गई है, तो यहाँ पे भी आपको है जो सफाई है जो आपके फसल के दाने हैं उनकी सफाई बड़ी आसानी से है जो हो जाएगी, क्योंकि जो भी कचरा होगा वो उधर वाली साइड में वेस्ट के रूप में है जो ये आगे डाल देगा। और इसके बाद में बात करें भाई, ये देखिए चेयर वगैरह ना, इनका डिजाइन देखिए यार कितना शानदार दिया गया है। यही है जो चीजें हैं मशीन को थोड़ा अट्रैक्टिव है वो बनाती है। और भाई ये देखिए री ग्राइंडिंग टापा है वो इधर वाली साइड में है जो दे रखा है, तो आपके घर में अगर पुरानी गेहूं है तो उनको क्या है कि अगर काफी टाइम तक अपने घर में रखते हैं ना गेहूं, तो उसमें हमारे इधर वाली साइड में बोलते हैं इल्ली या खपरिया बोलते हैं, तो वो पड़ जाता है, तो उसकी सफाई के लिए ना
ये दिया गया आप घर पे, मतलब थोड़े से टाइम में है ना, आसानी से है जो गेहूं है अनाज है उसकी सफाई कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको लगे भी आगे ये जो दाब है वो ज्यादा हो गई है तो उससे जो भूसा गया है उसमें दाने हैं वो चले गए, तो इनसे दोबारा है जो आप सफाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। और एक देखिए इधर वाली साइड में जो बड़ा टूल बॉक्स है वो आपको देखने को मिलेगा भाई, इसमें आप जो भी इस मशीन से लाइक जो भी संबंधित चीजें हैं वो रख सकते हैं। तो वही क्या है कि इसमें अगर फ्रंट साइड की बात करें ना, तो इधर वाली साइड में देखिए भाई कल्टीवेटर है वो लगा हुआ है, आपके जो भी फसल है वो अगर आपको ऊंचाई पे डालना है ट्रॉली में डालना है तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे दिया गया है भाई, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से इसको ऐसे ओपन करके इसको मतलब ट्रॉली के अंदर लगाना है, हाइट है जो काफी बड़ी है भाई इसकी, और जो जैसे ही मशीन आगे से उठेगी तो और हाइट है वो उसी चली जाएगी। तो इसके अंदर 3 स्टेप दिए गए हैं, हो गया एक आपके जैसे खेत में क्या है कि आपको अगर बीज रखना है किसी फसल का तो अलग से निकालना है उसको, तो इसके लिए यहाँ पे कट्टे हो गए, बोरी हो गई, जो भी थैला हो गया, तो उसको आप बड़ी आसानी से जो लगा सकते हैं, और जो भी फसल आपकी अच्छी निकल रही हो उसका बीज है वो यहाँ से रख सकते हैं। बाकी भाई नीचे की ओर देखिए ये यहाँ पे क्लिक दिखते हैं, तो यहाँ पे भी आप है जो तिरपाल वगैरह अगर आपके पास में इतनी मतलब है नहीं भी, ट्रॉली भी नहीं आ सकती आपके खेत में, तो आप तिरपाल पे भी चीजें है दाने हैं वो मतलब इकट्ठे कर सकते हैं। और आगे की साइड में अगर बात करें तो इसमें आपको ना 3 स्पीड है वो देखने को मिल जाएगी भी, बैटरी टाइम देखिए यहाँ पे लगी हुई है पूरी है, तो जो जो भी आपको स्पीड चाहिए तीनों की आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्पीड है जो आपको इसमें 3 है वो देखने को मिल जाएगी। और ये भी है ना एडजस्टेबल दिया गया है, मतलब जैसे भी टाइट करना है बेल्ट को तो वो कर सकते हैं। और भाई जो फ्रंट का हुक दिया गया है ना इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे से, ये देखिए ये इसमें अलग अलग है जो पिन पॉइंट है वो देखने को मिल जाएंगे किसान भाइयों। बाकी जो इसको अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो इसके अंदर देखिए डाई और जैक बोलते हैं इससे, तो वो डबल दिए गए और काफी हेवी ड्यूटी दिए गए भाई, और जितनी भी ऊंचाई पे हाइट पे रखना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से जो रख सकती है बड़ी आसानी से भाई, ठीक है। तो अपने अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे भाई ये इसमें क्लिप दी गई है, बड़ी आसानी से आप है जो इसको ओपन कर सकते हैं, नट बोल्ट है जो उनका कम से कम यूज किया गया ताकि आपका टाइम है उसकी बचत हो। और यहाँ पे देखिए फिल्टर जाली है वो दी गई है, जैसे भी आपका अनाज हो जिस भी प्रकार की मोटाई हो उसी के हिसाब से इसको है जो आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके चेंज करने के लिए देखिए 3 नट बोल्ट है जो इसमें लगे हुए हैं, बड़ी आसानी से है जो ये चेंज हो जाएगा। ठीक इसी के ऊपर देखिए वैक्यूम सिस्टम या पंखा है वो लगा हुआ है, तो इससे क्या है कि जो भी आपके माल में मतलब क्या है कि कचरा आ रहा है तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए जो यहाँ पे दिया गया वैक्यूम, जितना प्रेशर आप रखेंगे उसी के हिसाब से जो ये कचरा है उसको उठा लेगा भाई, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको ना उधर वाली साइड में मैंने बताया था भी दो प्रेशर प्लेट है वो लगी हुई है, तो वो इन्हीं पंखों की है वो लगी हुई है, ठीक है। और भाई इसके बाद में देखिए ये आ गया इसका बर्म, जो भी यहाँ से वेस्ट निकलेगा डूखड़ हो गया या जो भी कचरा हो गया वो इसमें से बर्म में से है ना वापस सेम बास्केट टोकरी के अंदर है वो चला जाएगा, और फिर से दोबारा से सेम प्रोसेस है वो होगी। और अगर आपने कोई दाब है वो ज्यादा घटा या बढ़ा दिया तो उसके साथ में क्या कि यहाँ पे है ना अगर ये देखिए कचरा है डूखड़ी है वो आने लगती है तो ये बर्म में है वो चली जाएगी और वापस ये टोकरी में है वो भेजता रहेगा। और कुदरती क्या है कि अगर दाने हैं वो ज्यादा आ रहे हैं तो इसमें ये 2 नट बोल्ट है उनको ढीला करके आप है जो इसको ऊपर करके सीधे जो भी दाने वगैरह है वो वेस्ट ना जाए, यानी कि नीचे है उनका ज्यादा से ज्यादा मतलब खिंडाव ना हो, इसके लिए यहाँ पे ये जो बर्म है उसे आप आसानी से मतलब ये है जो अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि अगर आपको ये जाली चेंज करनी है जो दाने हैं उनके लिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये क्लिप है वो 3 चिड़ी बोलते हैं जी ये लगी हुई है, बड़ी आसानी से खोल के आप जो ये शील्ड प्लेट है उसको मतलब हटा के बड़ी आसानी से जो इसकी जाली है वो चेंज कर सकते हैं भाई। ये भाई इन्होंने क्या है कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो भाई कम से कम टाइम लगे इस पे दिया है, ठीक है। ठीक है उसी के बाद में देखिए यहाँ पे ये जो 3 है लीवर है वो दे रखी है, ये है भाई इसके जो पत्रे हैं अंदर लगे हुए उनके लिए दिया गया है, तो वो भी आप है जो कम ज्यादा इनसे है वो कर सकते हैं। 3 लीवर इधर वाली साइड में दिए गए हैं, 3 लीवर उधर वाली साइड में, यानी कि टोटल 6 पत्रे हैं जो इसके अंदर आपको है जो देखने को मिलती है। और भाई ठीक देखिए जस्ट इसी के पास में ही है ना नट बोल्ट दिया गया है, इससे आप है ना जैसे भी आपकी जो भूसा है
या हथौड़ी है उसकी मोटाई या बारीकी जो भी करना चाहते हैं तो वो आप इससे कम ज्यादा है वो कर सकते हैं, वो आपके हाथ में यहाँ से बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये जो दो खिड़की लगी हुई है इधर वाली साइड में, एक तो एक ठीक उसी के जस्ट सामने वाली साइड में दी गई है, तो इससे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं भी आपका जो जाल है वो कितनी दूरी पे है, कैसे है, क्या दूरी सेट कर सकते हैं, वो इससे आसानी से आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये जो शील्ड लगी हुई है ना, इसने है ना पल्ली और तिरपाल का काम खत्म कर दिया भाई। खेत में या जो भी कचरे का क्या थ्रेसर के नीचे खिंडाव होता है तो वो कम कर दिया है। पूरे थ्रेसर के नीचे देखिए शील्ड है वो लगी हुई है, तो जो भी वेस्ट होगा वो इसी के अंदर आ जाएगा। ये प्रणाली लगी हुई है जो इसी के अंदर आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और ठीक अपने सामने देखिए भाई, इसका है जो गियर बॉक्स है वो दिया गया है, और ये HD है यानी कि हेवी ड्यूटी गियर बॉक्स है जो आपको इसमें देखने को मिल जाए, जो कि 3 साइड ड्रिवन दिया गया है। ठीक है, एक पंखे के लिए हो गया और एक छलनी के लिए हो गया और एक है जो रूटर के लिए हो गया। ठीक है, और इसके बाद में देखिए भाई इसका है ना जो एक्सल दिया गया ना वो काफी मजबूत दिया गया भाई, और मजबूत ही इसकी चेसी है वो दे रखी है। ठीक है, तो देखिए भाई काफी मजबूत दिया गया और चौड़ा एक्सल दिया गया। आप उबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं जो भी है उसमें बड़ी आसानी से जो आपकी मशीन है उसको लेकर जा सकते हैं। और भाई इसके अगर टायर साइज की बात करें ना तो इसमें 9/16 के आपको है जो टायर साइज है वो देखने को मिल जाएगा। और साथ में देखिए भाई इसके ना थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के लिए ना फेंडर भी दिए गए हैं, बहुत शानदार फेंडर दिए गए, हैवी ड्यूटी है काफी। इस पे है ना आप आसानी से जो भी आप ऊपर ठीक करना चाहते हैं चीज या फिर कोई नट बोल्ट है उसको चेक करना चाहते हैं इस पे आसानी से चढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना मजबूत दिया गया। और भाई इसका एलिवेटर, पंखा और रूटर है, इनकी तीनों की है ना डबल स्पीड दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको जो एक्स्ट्रा पुली है वो देखने को मिल जाएगी भाई। कि आपको ये जो जंगी थ्रेशर है इसका रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसकी फुल जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में ना नंबर आ रहा है आपको, तो उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने एरिया में जो नजदीकी डीलरशिप है इनकी उस पे जा सकते हैं, इसी फोन नंबर पे आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में है ना इनके मैंने नंबर और चैनल के लिंक दे रखे हैं, तो वहां पे जाके आप जो इनकी जो फैक्ट्री में जो जो मशीनें या प्रोडक्ट है वो बनते हैं उनकी वीडियो है वो देख सकते हैं। तो दबके है जो वीडियो को शेयर कर देना किसान भाइयों, कमेंट करके जो जरूर बताना आपको ये मशीन है जो जंगी थ्रेसर ये कैसी लगी। ठीक है, और इनके भाई कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं, प्राइस जाना चाहते हैं ना तो जल्दी करिए फोन कर लेना।